Hello, my lovely students, what's up and welcome back to Learn English with AR. Learn English with AR में आपका स्वागत है. So friends, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 phrasal verb with make. Make से हम लोग 10 phrasal verb पढ़ेंगे. तो वैसे तो make का मीनिंग हम लोग सबको पता ही है कि make का मतलब बनाना होता है या फिर निर्माण करना भी होता है या फिर तैयार करना होता है. सो किसी भी phrasal verb को पढ़ने से पहले उस verb का जो मेन verb है उस मेन verb का हम लोग पांचों फॉर्म जानना जरूरी है. अगर आप पांचों फॉर्म नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपको सेंटेंस बनाने में काफी दिक्कत आ सकती है. सो मैक का पहला होता है मैक तो, और दूसरा रूप होता है इसका मैज, एंड तीसरा भी होता है मैज, राइट, एंड चौथा होता है मैकिंग, और फिफ्थ होता है मैक्स. सो इसमें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. पहला नंबर है कि सर कि मैक आफ्टर. मैक आफ्टर का मतलब है पीछा करना, ठीक है. जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि द पुलिस मेड आफ्टर द थीफ, कि पुलिस ने चोर का पीछा किया, राइट. तो द पुलिस मेड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर मैक क्या है, पहला फॉर्म है, और मैड है यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म है, यानी कि मैक की दूसरी फॉर्म है. यह तीसरी भी है लेकिन तीसरा नहीं है, यह फिर दूसरा है, ठीक है. तो द पुलिस मेड आफ्टर द थीफ, तो आप देख रहे हैं कि पुलिस चोर का पीछा किया, चोर का पीछा किया. उसी प्रकार आप आगे ही बना सकते हैं कि मैंने चोर का पीछा किया, तो आई मेड आफ्टर द पुलिस, ही मेड आफ्टर द पुलिस, सॉरी थीफ, राइट, दे मेड आफ्टर द थीफ. इन दिस वे, इसी प्रकार आप आगे भी बना सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है सर हमारे पास कि मैक एच. मैक एच का मतलब तो झपटना या फिर टूट पड़ना, कोई भी चीज झपटना या फिर टूट पड़ना या फिर उस ओर आक्रमण करना उसको लेने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं क्या, मैक एच. जैसे कि द कैट मैड एट द रेट, राइट. यहां भी मैक का दूसरी फॉर्म है, यहाँ पे मैक एट, यहाँ पे मैड एट लगा, ठीक है. यहाँ भी क्या है, मैक का दूसरा फॉर्म है. तो द कैट, बिल्ली, मैड एट, टूट पड़ना या टूटा या झपट्टा मारा किस पर, एट द रेट, चूहा पर. सो आप देख रहे हैं कि मैड एट का मतलब होता है झपटना या फिर टूट पड़ना. उसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं क्या है, कि द डॉग मैड एट द कैट, कुत्ता ने बिल्ली पर झपट्टा मारा या फिर टूट पड़ा, मतलब आक्रमण किया. इन दिस वे आप आगे भी बना सकते हैं, राइट. और बना के आपको ऐसे लिखना नहीं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक अंग्रेजी आप नहीं सीख सकते. सो यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट. सो तीसरा नंबर है कि मैक फोर. मैक फोर का मतलब तो की ओर बढ़ना या फिर पहुंचना, की ओर बढ़ना या फिर पहुंचना. की ओर का मतलब होता है किसी डायरेक्शन की ओर बढ़ना या फिर पहुंचना, जल्दी जल्दी. जैसे कि द थीफ मैड फॉर द गेट, कि जो चोर है, द थीफ मैड फॉर, यहां पे आप देख सकते हैं कि मैक का दूसरी फॉर्म है क्या है, मैड है. तो द थीफ मैड फॉर द गेट, जो चोर है गेट की ओर बढ़ा. उसी प्रकार कि मैं गेट की ओर बढ़ा तो क्या, आई मेड फॉर द गेट. वह गेट की ओर बढ़ा तो क्या, ही मेड फॉर द गेट. मेरे पिताजी गेट की ओर बढ़े तो क्या होगा, माय फादर मेड फॉर द गेट. इस प्रकार से आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है फोर्थ नंबर दैट वी हैव. मेक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, भाग जाना. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि द सेफ मैड ऑफ, चोर भाग गया. कब भागेगा चोर, ऑब्वियसली कि जब, when he saw the police, जब वो पुलिस को देखा तो चोर क्या हुआ, भाग गया, राइट. उसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं कि the thief made off, चोर भाग गया. when he saw me, जब उन लोगों ने मुझे देखा तो चोर क्या हुआ, भाग गया. उसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं कि the thief made off when he saw my father, ठीक है, कि चोर भाग गया जब मेरे पिताजी को देखा. इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस, इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. नंबर फाइव कि मैक ऑफ विद कम, यहाँ पे देख सकते हैं कि सर मैक ऑफ भाग जाना, यहाँ पे है कि मैक ऑफ विद लेकर भाग जाना. इसका मतलब पक्का इसमें कोई एक सब्जेक्ट लेगा, सॉरी एक नाउन लेगा उसके साथ कि कोई चीज लेकर भागा. जैसे कि ही मेड ऑफ, वह भाग गया. विद माई सूटकेस, वह मेरे सूटकेस लेकर भाग गया. इन दिस वे आगे आप बना सकते हैं कि ही मेड ऑफ विद माई सेल फोन, कि वह मेरा सेल फोन लेके भाग गया. इसी प्रकार आप आगे कह सकते हैं कि रघु मेड ऑफ, रघु भाग गया. विद माई टी शर्ट, विद माई पेन, विद माई पेंसिल, विद माई बैग, विद माई बाइक, विद माई
किसी भी चीज का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट नंबर। अब हम लोग पांच तो डिस्कस कर लिए, अब हम लोग किस पर, सिक्स पॉइंट पर मूव करेंगे। ओके क्या होता? सो अगला है हमारा पॉइंट नंबर सिक्स, मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है हस्तांतरित करना, या किसी चीज को एक इंसान से दूसरे स्थान, दूसरे इंसान को देना, यानी कि कोई चीज को एक इंसान से दूसरे इंसान में सुपुर्द करना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, हस्तांतरित करना। तो वहां पे आप लगा सकते हैं किसका, मेक ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ही हैज मेड ओवर होल प्रॉपर्टी टू हिज सन, कि उसने अपनी सारा प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम दे दिए, हस्तांतरित कर दिए, राइट। उसी प्रकार आप आगे कर सकते हैं कि ही हैज मेड ओवर होल प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। आप डॉटर भी कर सकते हैं, टू हिज एल्डर सन, टू हिज यंगर सन, टू हिज एल्डर डॉटर, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसे कि ही हैज मेड ओवर होल प्रॉपर्टी टू हिज एल्डेस्ट सन, उसने अपने बड़े बेटे को पूरी संपत्ति हस्तांतरित कर दी है, इस प्रकार से आप आगे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना या फिर अर्थ लगाना। जैसे कि आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर, कि मुझे समझ में नहीं आता है या समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे किस लिए रो रहे हैं। तो मेक आउट का मतलब होता है समझना। तो आई कैन नॉट मेक आउट, मुझे समझ में नहीं आता है कि व्हाट द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर, कि बच्चा किस लिए रो रहा है। इन दिस वे आप आगे भी बना सकते हैं। जैसे कि अर्थ लगाना, अर्थ लगाने के लिए आई कैन नॉट मेक आउट दिस वर्ड मीनिंग, कि मैं इस वर्ड का मीनिंग का अर्थ नहीं लगा पा रहा हूँ, इस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर मेकअप। मेकअप का मतलब होता है श्रृंगार करना। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेकअप का मतलब, जैसे टू यूज कॉस्मेटिक, जो आप कॉस्मेटिक यूज करता है अपने चेहरे पे, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन यंग गर्ल्स भी करते हैं। जैसे कि मोस्ट वीमेन मेकअप करते हैं देयर फेसेस, अपने फेस में क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। तो सो वहां पे आप क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं, मेकअप का, राइट। नेक्स्ट है सर कि मेक अ फूल ऑफ का मतलब होता है मूर्ख बनाना, राइट। तो मेक अ फूल ऑफ का मतलब होता है मूर्ख बनाना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही मेक्स अ फूल ऑफ एवरीवन, कि वह सबका मूर्ख बनाता है, सबको मूर्ख बनाता है। जैसे कि मैं सबको मूर्ख बनाता हूँ, तो आई मेक अ फूल ऑफ एवरीवन, कि मैं सबका मजाक उड़ा, सॉरी मूर्ख बनाता हूँ। इसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेक टूवर्ड्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, मैक टूवर्ड्स उस तरफ जाना। मैक टूवर्ड्स का मतलब उस तरफ जाना। जैसे कि सी मैड टूवर्ड्स द डोर, कि वह जो डोर की तरफ गई, डायरेक्शन है, टूवर्ड्स का मतलब था की ओर, तो डोर की ओर गई। तो वहां पे जैसे मैक टूवर्ड्स उस तरफ जाना, तो सी मैड टूवर्ड्स द डोर, कि वह दरवाजे की तरफ गई, खिड़की की तरफ गई। तो सी मैड टूवर्ड्स द विंडो, वह खिड़की की ओर गई। मैं खिड़की की ओर गया, तो आई मैच टूवर्ड्स द डोर विंडो, इस प्रकार से आप आगे बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।